एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज दिन है वेडनेसडे और सुबह के बज रहे हैं ठीक 6:30। तो 6:30 बजे उठना ही होता है, तब जाके लंच बन पाता है। तो रियांत के लिए मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है और यहाँ मैंने गैस पे रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। और अभी मैं फ्रिज से निकालूंगी सारी सब्जियाँ। और वैसे मोस्टली अधिकतर ऐसा होता है कि मैं रात में ही सब्जी कट करके रख देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं की थी। तो बस यहाँ पे गोभी निकाल लिया है और आलू मैंने निकाल लिए हैं फ्रिज से। और अब मैं जल्दी से सारी सब्जियों को कट कर लूँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी बढ़िया सी आलू गोभी की सब्जी। तो अब जल्दी से बस सब्जी बना देते हैं। और यहाँ मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई और उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हींग जीरा से मैंने तड़का लगाया है और एक हरी मिर्ची डाल दी है काट के, और कटा हुआ प्याज डाल दिया है। और अब प्याज को भून लेंगे। और जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं मसाले का घोल बना लेती हूँ। तो जो धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर, तीनों को मैं एक कटोरी में डालूंगी और इसके बाद इसमें पानी डालूंगी। तो घोल बना के ही मैं डालती हूँ। इससे ना एक तो मसाला बहुत अच्छे से भून जाता है, बिल्कुल भी जलता नहीं है और सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। हमें मोस्टली मैं घोल बना के ही डालती हूँ मसाले का। तो यहाँ पे मैंने मसाले का घोल डाल दिया है कढ़ाई में। और जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे कटी हुई सब्जियाँ। तो मैंने आलू और गोभी को कढ़ाई में डाल दिया है और इसके बाद इसमें डालेंगे नमक। तो इधर सब्जी को मैंने ढक के छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। और जब तक ये सब्जी बन रही है तब तक मैं आटा गूंथ देती हूँ। तो 10-15 मिनट में सब्जी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो जितनी देर में सब्जी बन रही होती है उतनी देर में मैं आटा गूंथ के रख देती हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी रियांत को उठाने। अरे गैस खत्म, गैस ही नहीं आ रही है, क्या हुआ, सप्लाई रुक गई क्या? तो रियान को उठाने के बाद जैसे ही मैं वापस से किचन में आई और मैं पराठे बनाने वाली थी, तो मैंने जैसे ही गैस जलाई गैस ही नहीं आ रही थी। तो मैं भी एकदम से शॉक हो गई कि अभी तो गैस आ रही थी और एकदम से कैसे चली गई। फिर थोड़ी देर में पता लगा कि मतलब गैस की सप्लाई रुकी हुई है, सभी की रुकी हुई है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी ही नहीं आ रही है गैस। और बस इसके बाद बस पराठे नहीं बना पाए हैं। तो यहाँ मैंने रियान को पपीता कट करके दे दिया है और बिस्किट वगैरह भी दे दिए थे। तो रियांत का तो वैसे भी कैंटीन में खाने का मन था, तो बस इसके तो मन की हो गई है। इसको तो मैंने दे दिए हैं पैसे, तो ये अपना बस कैंटीन में खा लेंगे। और थोड़ा बहुत तो मैंने दे ही दिया है इनको खाने के लिए। और इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो मॉर्निंग में चाय पीने की बड़ी इच्छा होती है। तो यहाँ पे मैं देखो कैसे चाय बना रही हूँ, टोस्टर पे चाय बना रही हूँ। चाय बनानी है, चाय पीने का मन हो रहा है। देखो कैसे बन रही है चाय, देखते हैं ऐसे बन पाती है नहीं, कोशिश करते हैं। गैस नहीं आ रही। तो हुआ ये था कि पहले मैं मॉर्निंग में सुबह रियांत के लिए चाय बना रही थी। तो इस हफ्ते में ना सब कुछ मैंने पानी, अदरक और चाय पत्ती, चीनी सब कुछ डाल रखा था। तो सोचा चलो टोस्टर पे बना के देखते हैं, शायद बन जाए कौन प्लास्टिक के बर्तन में करके और फिर माइक्रोवेव में बनाए। लेकिन वो टोस्टर पे नहीं बन रही थी, बहुत धीमे धीमे बन रही थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो फिर आखिरी में मुझे माइक्रोवेव में ही चाय बनानी पड़ी। तो यहाँ मैंने रख दी है माइक्रोवेव में चाय बनने के लिए। और यहाँ पे चाय बन के तैयार है माइक्रोवेव में। तो माइक्रोवेव में जल्दी तो बन जाती है लेकिन इतनी अच्छी चाय नहीं लगती है। ये है माइक्रोवेव की चाय। तो अब जाके मेरी चाय बनी हुई है, तो पहले चाय पी लेते हैं। और अभी घर का सारा काम फैला हुआ है, इसके बाद मैं काम करूंगी। तो सुबह सुबह ना चाय पीने की इच्छा होती है, तो जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये है माइक्रोवेव की चाय जो मैं पहली बार पी रही हूँ। और इसकी महक देखते हैं कैसी आ रही है। तो इसमें ना जो प्लास्टिक वाली महक आ रही है
जो चाय गैस की बनी हुई लगती है ना, वो खोल खोल के बनती है, वो चाय का मजा किसी में नहीं है। ये पहली बार बनाई हूँ माइक्रोवेव में चाय। तो चाय वगैरह पीने के बाद अब बारी आती है घर के कामों की। तो यहाँ सबसे पहले मैं मशीन लगा दूंगी। तो सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं और सर्फ डाल दिया है और यहाँ मैंने मशीन लगा दी है। तो जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक मैं घर का और भी बाकी का काम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी क्योंकि जो सेंटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा गंदी रहती है, तो उस पर मुझे कॉलिन लगाना होता है तभी जाके ये अच्छे से साफ़ होती है। तो इसको ना डेली साफ ही करना होता है क्योंकि ना यहाँ पे बैठ के सब लोग खाना वाना खाते रहते हैं तो ये गंदी हो जाती है, और जब तक कॉलिन नहीं लगाते हैं तब तक ये अच्छे से साफ भी नहीं होती है। और अब मैं कैबिनेट को साफ करूँगी, जो टीवी के नीचे कैबिनेट रखा हुआ है इसको मैं साफ करूँगी क्योंकि ना इस पे इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा रहता है। किसी को कुछ भी सामान रखना होता है ना तो वो सामान इसी कैबिनेट पे ही रखा जाता है, तो इसीलिए मैं इसको डेली ही साफ करती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं डेली ही साफ करती हूँ तब ये अच्छे से शाइन करती है और चमकती रहती हैं, अच्छी लगती हैं। तो मेरी आदत सी हो गई है सारी चीज़ों को डेली ही साफ करना, तो तब ये अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो अभी मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी और अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं और अभी भी गैस नहीं आई है। तो पूरे ग्रेटर नोएडा की गैस सप्लाई बंद है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई हुई है तो इस वजह से गैस नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी अभी भी गैस नहीं आई है सुबह की गैस। और खाना सुबह मैंने बना लिया था, तो सब्जी तो बनी रखी है और आटा गूंथ लिया था, बस रोटियां नहीं बन पाई हैं। मैं चाय के साथ सिर्फ बिस्किट अकेले खाए थे ना, तो हम लोगों को भी थोड़ी सी भूख लगाई है, मुझे तो इतनी नहीं लगी है लेकिन रियान के पापा को भूख लगाई है। और इनका चल रहा है ऑफिस का काम, तो गैस का अभी कोई फिक्स टाइम नहीं है कि गैस कब तक आएगी, जब आएगी तब देखा जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, कुछ लेके आते हैं खाने के लिए, या तो समोसा लेके आएंगे या छोले भटूरे, देखते हैं, चलो चलते हैं। तो मैं नीचे से लेके आई हूँ छोले भटूरे। तो इनका छोले भटूरे खाने का मन था तो फिर मैंने छोले भटूरे ही ले लिए हैं, और बस इनको मैं जल्दी से निकाल लेती हूँ, फटाफट से थालियाँ लगा देती हूँ। और जो छोले की जो क्वांटिटी है बहुत ही कम दे रहे हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी शॉप पे, सभी लोग ले लेके जा रहे हैं क्योंकि गैस किसी के यहाँ भी नहीं आ रही है। तो यहाँ मैं थाली लगा दूंगी और इनको मैं दे दूंगी जल्दी से खाना। और वहाँ से पैक करवा के लाते हैं ना तो तो छोले देखो ये कैसे हैं हो जाते छोले हैं। भटूरे, तो नीचे से लेके आए हैं छोले भटूरे, बढ़िया। तो आज गैस नहीं आ रही है, छोले भटूरे खाते हैं, बढ़िया। तो यहाँ मैंने थाली दे दी है रियान के पापा को और इसके बाद मैं भी अपने छोले भटूरे खा लूँगी क्योंकि ना ये गरम गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं, और अगर थोड़े से भी ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर इन बिल्कुल खाए भी नहीं जाएंगे। तो बस मैं भी बैठ गई हूँ यहाँ खाने के लिए। तो बस टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 और अब मैं बना रही हूँ इवनिंग वाली चाय। तो खुशी की बात ये है कि गैस आ गई है, तो अब मैं बढ़िया सी अदरक वाली चाय बनाती हूँ गैस पे। और सुबह ना इतनी बेकार चाय थी, बिल्कुल पीने की इच्छा नहीं हो रही थी, बस मजबूरी में पी ली है। माइक्रोवेव में इतनी अच्छी चाय नहीं बनती है, बस खौलती रहती है, लेकिन जो गैस पे बनती है ना, खूब खौला खौला के बनाते हैं ना, वो चाय का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़िया सी चाय बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं, क्योंकि सुबह चाय से ना मन नहीं भरा था, तो पहले मैं चाय बनाती हूँ बढ़िया। लगभग 3 या 3:30 बजे आ गई थी और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए क्योंकि सुबह दूध भी बॉयल नहीं हो पाया था, और जब गैस आ गई थी ना तब जाके मैंने दूध बॉयल किया है। और अब मैं बना रही हूँ इवनिंग वाली बढ़िया सी चाय, अदरक वाली चाय बनाते हैं क्योंकि जो मॉर्निंग में चाय पी थी ना इतनी बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी किसी को भी। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, और जब तक ये चाय बन रही है तब तक मैं सब्जी कट करके रख देती हूँ मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पे मैं बीन्स को कट कर रही हूँ और यहाँ पे चाय बन गई है, और ये देखिए बढ़िया खूब खोल खोल के चाय बन रही है और इसमें खूब उबाल आ रहे हैं, और यही चाय बहुत अच्छी लगती है तो पीने ये में। बनी है बढ़िया सी चाय, खूब खोल खोल के बन रही है, सुबह तो ऐसे ही पी थी चाय, मन भी नहीं भरा था। खोल खोल के चाय बन रही है, तो ये है बढ़िया सी चाय अदरक वाली। और चलिए चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं
और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का कर रही हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।